आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर निगरू। कई बच्चे जो इंसेस्ट यौन कल्पना रखते हैं ना, वो परेशान होते हैं और परेशान होना स्वाभाविक है। यह यौन कल्पना ऐसे अवस्था में एक लड़के के अंदर जन्म लेती है जब उसका करियर बनाने का वक्त आता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने का वक्त आता है। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से ऐसी यौन कल्पनाएं उसके मन और मस्तिष्क में जगह बनाने लगती है, जिसकी वजह से एक युवक का मन चंचल होने लगता है। हमेशा यौन कल्पना में, हमेशा इंसेस्ट यौन कल्पना में खोया रहता है, अपनी मदर के प्रति, अपनी सिस्टर के प्रति, अपनी आंटी के प्रति एवं अन्य मैच्योर वीमेन के प्रति, चाहे वो मैच्योर वीमेन कोई रिलेटिव की हो या कोई पड़ोस की हो या कोई और हो, तो उस फीमेल से, मैच्योर फीमेल को अपनी कल्पना में घुमाते रहता है, यौन व्यवहार के रूप में, यौन कल्पना के रूप में, जिससे उसकी मानसिक शक्ति तो क्षय होती ही है। और जब यौन कल्पना में किसी को एक युवक घुमाएगा तो वो मास्टरबेशन जैसी क्रिया भी एक्सट्रीम लेवल पे करेगा, काफ़ी ज़्यादा करेगा, जिससे मेंटली तो वो हैरेस होगा ही, मानसिक रूप से वो थकान तो महसूस करेगा ही, साथ में शारीरिक कमजोरियां भी आएगी, जिससे इंसेस्ट फैंटेसी रखने वाले लड़के के जीवन में प्रोडक्टिविटी कम जाता है, पढ़ाई के प्रति उसका झुकाव कमेगा, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स को अचीव नहीं कर पाएगा, अपने गोल को पूरी इफिशियंसी के साथ अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी माइंड को और बॉडी को इंसेस्ट यौन फैंटेसी हाईजेक कर लिया है, या कहें तो हैक कर लिया है। तो उसका दिमाग हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और सेक्सुअली ट्रिगर होता रहता है, जिससे एक लड़के के जीवन में असहजता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो लड़का इंसेस्ट मॉम, सन, ब्रदर, सिस्टर या जिस किसी भी प्रकार की इंसेस्ट यौन कल्पना से पीड़ित है या यौन कल्पना के प्रभाव में है, वो मेरी इस बात को बड़े ही अच्छे से कनेक्ट करके समझ पा रहा होगा। तो अभी इंसेस्ट फैंटेसी को बैलेंस कैसे किया जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए, तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसके ठीक पहले के एक वीडियो में बताया था कि इंसेस्ट फैंटेसी की साइकोलॉजी क्या है, आपके बायोलॉजिकल नीड और आपके इमेजिनेशन दोनों एसोसिएट होकर के जब फंक्शन करना प्रारंभ करता है ना, तो आपके अंदर इंसेस्ट फैंटेसी का जन्म लेता है। यानी कि जैसे ही आप यौन रूप से या यौन व्यवहार आपके अंदर सक्रिय होता है, आपके अंदर सेक्सुअलिटी एक्टिव हो जाती है, तत्क्षण आप मदर के बारे में, मॉम टाइप किसी फीमेल के बारे में, मॉम टाइप दिखने वाली पोर्न स्टार के बारे में, मॉम टाइप दिखने वाली मेड के बारे में, पड़ोस वाली के बारे में या किसी के भी बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना और आपकी यौन इच्छा समान रूप से सहसंबंधित हो गए हैं। और जब भी आपके अंदर यौन इच्छा उठे और आप इंसेस्ट यौन कल्पना से मुक्ति पाना चाहते हैं, तत्क्षण आप अपने आप को ऑब्जर्व करें और मैच्योर वीमेन या मॉम के प्रति या अपनी सिस्टर के प्रति यौन कल्पना ना करके किसी और व्यक्ति को अपनी यौन कल्पना में स्थान दें। किसी और व्यक्ति कहने का मतलब किसी ऐसे यंग या टीन एज पोर्न स्टार का अपने यौन कल्पना में स्थान दे ले। ये चीजें इतनी आसान नहीं होगी, प्रैक्टिस से होगी। जैसे पुनः आपको समझाता हूँ एक बार फिर से, जैसे ही एक लड़का सेक्सुअली ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर होगा तो उसकी इमेजिनेशन पावर जो है ना, वो हैक होना शुरू हो जाएगा। और हैक किस संदर्भ में या किस वे में होगा, उसी वे में होगा जिस वे में उसकी यौन फैंटेसी अनुबंधित है, अर्थात उसकी यौन कल्पना अनुबंधित है मदर से, सिस्टर से, तो वो सेक्सुअली ट्रिगर होगा। तो अपनी मदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, मॉम टाइप फीमेल या मॉम सन वाली वीडियोस देखेगा जा करके इंटरनेट पे, मॉम सन स्टोरी पढ़ेगा, ब्रदर सिस्टर वीडियो, ब्रदर सिस्टर स्टोरी पढ़ेगा या चैट करेगा, इमेज देखेगा। तो जैसे ही आपके अंदर ट्रिगर हो, तो आप अपनी कल्पना में, ध्यान दीजिए, मॉम टाइप वीमेन को या मॉम को, सिस्टर को स्थान ना दे करके
किसी ऐसे अपोजिट एज वाली फीमेल या अजनबी को स्थान दें, और जब ये क्रिया बार बार आप पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे आपके अंदर सेक्सुअलिटी जागी, तो आप अपनी मदर को अपनी कल्पना में स्थान ना दे, सिस्टर को ना दे, मॉम टाइप मेच्योर किसी भी फीमेल का स्थान ना दे, किसी अलग नेचर का अलग प्रॉपर्टी वाली फीमेल का स्थान दे ली, और वो आप खुद चुनाव करें कि किसको आप देना चाहते हैं, तो आप कुछ ही सप्ताह में पाएंगे कि आपकी जो इंसेस्ट यौन कल्पना है ना, वो स्थानांतरित होकर के उस फीमेल से कंडीशनिंग हो जाएगी जिस फीमेल को आप यौन उत्तेजना के क्षण में अपनी कल्पना में प्रयत्न पूर्वक रखते हैं। और इससे क्या होगा कि इंसेस्ट फैंटेसी आपका रिप्लेस होके किसी और फीमेल से कंडीशनिंग हो जाएगा, और जब और किसी अननोन या नॉन फीमेल से कंडीशनिंग होगा, तब आपके हाथ एक सूत्र लग गया कि आप अपने अंदर की जो इंसेस्ट यौन कल्पना है उसे आपने स्थानांतरित करके किसी और को कल्पना में ले आए, तो आप एक कला सीख लिए, और वो क्षण दूर नहीं कि अपनी इस स्किल से, अपनी इस कला से, इस फैंटेसी को भी किसी और चीज से रिप्लेस करके इस पे विजय पा सकते हैं। थोड़ा सा एक टफ लग रहा होगा, पर करके देखिए, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं इस ट्रिक को या इस मेथड को, तो इससे भी एडवांस और विशेष मेथड को जानने के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लें, जिसके लिए मैंने कुछ शुल्क निर्धारित किए हैं जो आपको इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे और मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करने होंगे। और मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी मेंटलिस्ट आई पे आना होगा, वहाँ मैसेज करना होगा कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा, और आप अपनी इंसेस्ट यौन कल्पना पे विजय पाना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, उस पे मैं काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अपनी इस यौन कल्पना को बैलेंस कर सकें और अपनी जीवन को भी बैलेंस कर सकें। नहीं तो इस तरह की यौन कल्पना करने वाले लड़के एक तरह की ट्रॉमा में जीते हैं, ट्रॉमा शब्द सही नहीं है, एक तरह के मेंटल पेन में या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन में जीते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से अपनी यौन कल्पना को उन्होंने बांध ली है ना, जिससे समाज में कभी मान्यता मिल ही नहीं सकता। समाज में क्या कोई व्यक्ति भी मान्यता नहीं दे सकती या दे सकता जिससे उसकी यौन कल्पना जुड़ी है। जैसे मदर कोई सपोर्ट नहीं कर सकती अपने बेटे को, कोई सिस्टर अपने ब्रदर को नहीं कर सकती सामाजिक रूप से, तो जिसकी वजह से इस तरह की यौन कल्पना रखने वाले जो बच्चे होते हैं वो परेशान होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मेंटली वो अपने आप को पेन फील करते हैं, असहजता की स्थिति में रहते हैं। तो आप मुझसे बातें करके अपने इस फैंटेसी पे अस्पष्टता ले सकते हैं और कुछ अन्य उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक ट्रिक को सीख सकते हैं कि आप इस फैंटेसी को, आप अपनी इस कल्पना को कैसे संतुलित करें, कैसे बैलेंस करें, और अपना स्टडी और आपका जो रेगुलर और डेली लाइफ है उसे बेहतर और प्रोडक्टिविटी के साथ ऑपरेट कर सके। तो चलिए, मेरी बातों को समझे होंगे इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।